नाइजीरिया में आतंकियों ने किया 140 स्टूडेंट्स का किडनैप, सऊदी वहाबी आतंकी संगठन बोको हराम का हाथ होने की आशंका। अफ्रीका के नाइजीरिया में हथियारबंद गुट ने एक स्कूल पर धावा बोलते हुए 140 स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया है। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया के कादोना सूबे में हथियारबंद समूह ने एक स्कूल पर हमला करते हुए यहां पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं का अपहरण कर लिया है। हथियारबंद गुट के चंगुल से सिर्फ 25 स्टूडेंट बचने में कामयाब रहे। अपहरणकर्ताओं के हमले का निशाना बने स्कूल के एक टीचर ने कहा कि हम नहीं जानते कि वो हमारे स्टूडेंट्स को कहाँ ले गए हैं। वहीं कादोना सूबे के पुलिस प्रवक्ता ने इस खबर की तायीद करते हुए कहा है कि एक स्कूल पर हमला हुआ है, लेकिन बंदी बनाए गए छात्रों की सही तादाद के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने किसी स्कूल पर हमला करते हुए छात्रों को बंदी बनाया है। अभी तक इस घटना की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन इससे पहले वहाबी आतंकी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया के कात्सिना सूबे पर हमला करते हुए 300 छात्राओं को बंदी बना लिया था। पिछले एक दशक में बोको हराम ने कम से कम 3 बार स्कूलों पर हमला करते हुए भारी तादाद में स्टूडेंट्स को बंदी बनाया है। 2014 में बोको हराम के आतंकियों ने एक स्कूल पर हमला करते हुए 270 छात्राओं को बंदी बना लिया था। वहीं 2018 में भी एक स्कूल पर हमला करते हुए उन्होंने 110 छात्राओं का अपहरण किया था। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।